वहां पे एक बड़ा स्तूपा लग रहा है। ऑल राइट, तो भाई वेलकम टू द चैनल। तो भाई आज मैं एक बहुत स्पेशल जगह जाने वाला हूँ, लार्जेस्ट बुद्धा कॉम्प्लेक्स ऑफ ओरिसा। इसको हम डायमंड ट्रायंगल भी बोलते हैं। ओरिसा में एक गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें आता है भुवनेश्वर, आपका पुरी, कोणार्क, बट इसके अलावा एक और ट्रायंगल है जिसको हम डायमंड ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें आता है ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ चंडीगोल के ये जो चौक पड़ता है, चंडीगोल चौक। यहाँ से ये रोड सीधा जा रही है पारादीप, तो मुझे इस रोड, इस हाईवे पे जाना है। यहाँ से ऑलमोस्ट लगा लो आप कि जितना मैप में मुझे दिख रहा है, इन टोटल ये तीनों कॉम्प्लेक्स मुझे 44 किलोमीटर पड़ेगा। बाकी भुवनेश्वर से यार मैं लिफ्ट लेके आया हूँ, बट यहाँ से मुझे जो कॉम्प्लेक्स जाना है वो पड़ेगा ऑलमोस्ट 44 किलोमीटर। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भी हिचहाइकिंग करूँ। उदयगिरी तक नहीं जाएगा। कितना रास्ता? थैंक यू भैया। हाँ जी भैया, आपका नाम? पंकज। पंकज, थैंक यू भैया लिफ्ट के लिए। और लिफ्ट मिल गई अली सर से। थैंक यू अली सर। आप कहाँ तक जाओगे? केंद्रपाड़ा। अच्छा, देखो कृष्णदासपुर वहाँ पे उतरना होगा ना, वहाँ से। थैंक यू भैया, आपके वजह से बहुत जल्दी आ गया मैं। थैंक यू सो मच। ठीक है भैया जी। तो भाई मैं आ गया हूँ कृष्णदासपुर। यहाँ से 14 किलोमीटर बाद ही पड़ता है पहला बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ से आगे की हिचहाइकिंग स्टार्ट होगी। ऑल राइट, तो भाई यहाँ से दूसरी लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं यार, अभी तो कोई नहीं रुक रहा। और बाकी यार कुछ हिल विल स्टार्ट हो गए यहाँ से, शायद इस पहाड़ों के पीछे ही पड़ेगा। यहाँ से 4.5 किलोमीटर और है और एक ट्रक आ रहा है, ट्राई करते हैं। यार ये ट्रक तो यहीं मुड़ गया। उदयगिरी जाएंगे। थैंक यू। ऑल राइट, तो भाई मैं उदयगिरी आ गया हूँ मॉनेस्ट्री। तो ये मॉनेस्ट्री यार एक तरह से हिल है, हिल पूरा सराउंडेड। देखो आप मेरे यहाँ पे हिल है और वहाँ से मैंने एंट्री करी थी। देन अब मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, शायद ऊपर होगा मेरे ख्याल से टिकट विकेट काउंटर जो भी है। तो भाई मेन गेट से तकरीबन 250 मीटर आप लगा लो चलना पड़ेगा, तो जाके अंदर आएगा। तो भाई मुझे जो पंकज ने लिफ्ट दी थी उसके कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो अभी पहुँचे हैं। मैं तो अंदर जा रहा था तब तक आ गए लोग। कैसे हो भाई, कैसे हो? अरे आप जल्दी जल्दी में आगे। प्रशांत जीत भाई पंकज के दोस्त थे। केलू नाम है उनका? लालू। अच्छा, तो उनके भी दोस्त है ये। चलो चलते हैं। तो भाई ये कुछ इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बापी। उदयगिरी का बापी। बहुत गहरा है। अच्छा, तो इन लोग नहाते हैं यहाँ पे? नहीं नहाते, वो क्या पूर्णिमा आता है उधर नहाता है, नहीं तो दूसरे दिन नहीं नहाते। अच्छा, तो भाई ये है यहाँ पे कुछ पानी, ये शायद पहले पीने के लिए पानी जमा करते थे ना? पीता है पानी को, पीते है। अच्छा, आप क्या पास में रहते हो? हाँ इधर ही हमारा गाँव है, लोकल है। अच्छा सामने। हाँ। उन्होंने ही मुझे लिफ्ट दिया था रास्ते में। वही? हाँ पंकज।
तो मुझे मिल, तो मुझे बताया कि आप उनसे नंबर ले लो, उनसे मिल ले लो। तो भाई ये है मॉनेस्ट्री नंबर 2 उदयगिरी का। बाकी यहाँ पे टेंपल भी दिख रहा है, एक टेंपल ऊपर में। वहाँ पे एक बड़ा स्तूपा लग रहा है और ये अलग अलग पत्थर से बनाया लग रहा है ना, अलग अलग पत्थर काट के पूरा अलग है। तो यार ये छोटे छोटे है कुछ, उधर था मेन बड़ा और ये छोटा, और यहाँ पे एक और बुद्धा जी की मूर्तियाँ और सेम छोटे छोटे ऐसे और स्तूपास। तो भाई ये पूरा पहाड़ के ऊपर ही बसा हुआ है ना, पहाड़ के ऊपर से ही जाना पड़ता है, पूरा ऊपर है। तो भाई ये एक और मॉनेस्ट्री आ गया है यहाँ पे। भाई इसके अंदर एक और स्तूप है जिसको बिल्कुल गेट वेट बंद करके रखा हुआ है। बाकी ये सबसे बढ़िया जगह है फोटो खींचने के लिए। फोन करी कॉल दियो मु चाचा तब ना की छाड़ी। तो भाई उदयगिरी तो घूम लिया भाई के साथ, तो अभी देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ रत्नगिरी ट्राई करने का, लेकिन पता नहीं खुला मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहाँ जाके एक बार ट्राई करते हैं। रत्नगिरी की लिफ्ट मिल गई उदयगिरी के सामने। ये भाई भी फोटो शूट करने आए हैं यहाँ पे। आपका नाम? देवाशीष। देवाशीष, आपका इंस्टाग्राम आईडी? देवाशीष पप्पू। देवाशीष पप्पू, अच्छा पप्पू निकनेम है। आपका? अभिजीत महांती। अभिजीत महांती, और मैं राहुल गिरी। हम तीनों जा रहे हैं अभी रत्नगिरी, वहाँ पर मौज करेंगे। अभी मौज करेंगे। हैवी वाला मौज, हैवी ड्राइवर वाला मौज। तो भाई इनका कुछ फोटो शूट चल रहा है। आपका नाम? आप ये तो बता दिया आपका नाम। नाम किस? सोमनाथ। सोमनाथ, तुम? सौम्या। तो भाई ये भाई लोग आ गए अपना फोटो शूट करने बाली गोदा एट अ कैनल और नदी नदी। भाई मस्त जगह है यार, इधर अनएक्सपेक्टेड था आना। ऑल राइट, तो भाई मैं रत्नगिरी आ गया हूँ। इससे पहले यार मैं तुम्हें थोड़ी उदयगिरी के बारे में थोड़ा बताता हूँ, जो जो मुझे पता है। तो भाई जो उदयगिरी था वो लार्जेस्ट साइट था इन तीनों में से। और जो मैंने उदयगिरी में आपको एक जो वेल दिखा था जहाँ पानी पड़ा था, वो कहते थे कि यार वो ना एज अ सोर्स ऑफ वाटर था, वहाँ पे पानी वानी जमा होता था, उसी से सारे मॉन्ग वॉन्ग पानी पीते थे। और ये जितने भी जो ये ललितगिरी है, उदयगिरी, रत्नागिरी, ये कोई कहते एक बहुत पुराना राजा था, उनके 3 बच्चे थे, एक का नाम था उदय, एक का नाम ललिता, एक का नाम रत्ना। तो उसी के नाम से ही ये पड़ गया, इन तीनों मॉनेस्ट्री का नाम रखा गया। भाई मेरे सामने कुछ स्तूपा है, ये सब है ललितगिरी के। आपको देखने में दिख रहा होगा बहुत सारे छोटे छोटे रखे गए यहाँ पे। और रही बात रत्नगिरी की, ये कहते हैं यार मोस्ट इवैक्यूएटेड साइट है, मतलब बहुत भारी मात्रा में यहाँ से, ये आपने देखा होगा छोटे छोटे मॉन्यूमेंट स्तूपा टाइप है यहाँ पे, तो इसको मोस्ट इवैक्यूएटेड
प्लेस में माना जाता है इन तीनों ट्रायों में से। बाकी मैं यार इधर से जाना है शायद। और ये जो मोनेस्ट्री है ये आप लगा लो 6th या 6th से लेके 12th सेंचुरी जो के बीच में माना जाता है कि इसको बनाया गया था यहाँ पे, ये इतना पुराना है। और यहाँ पे जो बुद्धा के जो स्कल्पचर्स है उसको कहते हैं कि भाई जो इंडोनेशिया और जो इंडोनेशिया में जो बुद्धा के स्कल्पचर्स मिले थे उससे मिलता जुलता है, इंडोनेशिया और जो श्रीलंका में जो मिले थे बुद्धा के स्तूपास उसका आर्किटेक्चर और इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सेम ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे मेरे सामने है सिंगल विंग मॉनेस्ट्री, ये लिखा है 11th से 12th सेंचुरी वाला। तो भाई ये पीने का पानी है ना, तो ये पानी भर लेते हैं यहाँ से। हाँ बॉटल है पूरा, क्या भरा करता नहीं। ठीक है भैया, जाना है यहाँ से नहीं रास्ता, ना यहाँ से रास्ता नहीं ना। जी जी। तो भाई इस यहाँ पे एक म्यूजियम भी है यार, तो मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। तो भाई इसको बोलते हैं मोस्ट इवैक्यूएटेड साइट। तो पहले तो यार मैं जो वहाँ पे गया था मुझे लगा कि यार दो चार ही यहाँ पे स्तूपाज हैं, तो क्यों ना, तो पता चला कि जितने भी सारे यहाँ पे इवैक्यूएटेड हैं वो एक म्यूज़ियम में रख रखा है इन्होंने। तो ये सारा सामान जो मैंने अभी तक का दिखाया सारा म्यूज़ियम में ही ला के रखा हुआ है। ऑलराइट, तो भाई रत्नगिरी से इतना ही फ़िलहाल, यार 5:15 हो गए हैं और जो मेरा लास्ट था ललितगिरी वो आज हो नहीं पाएगा यार, क्योंकि ये 5 बजे ना ये तो बंद हो जाता है, तो वहाँ पे भी एंट्री नहीं हो पाएगी और यहाँ से पहुँचने में कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही, तो वो प्लान कैंसिल करना पड़ रहा है। बाकी मुझे जो मैंने रत्नगिरी के बारे में तो बता ही दिया जितना मुझे पता था, बाकी उदयगिरी के बारे में मैं ये जानता हूँ कि जो उदयगिरी है वो लार्जेस्ट साइट है, एरिया वाइज लार्जेस्ट है, वहाँ पर आपने बड़े बड़े स्तूपास देखे होंगे। बाकी यार मेरा ये मानना है कि इस जगह को जितना फेम मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं है यार, मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक ओडिशा में भी एक बुद्धा कॉम्प्लेक्स है, वो भी 3, और वो भी इतने सारे यहाँ पे स्तूपाज आप लगा लो एकदम रॉ जैसे होता है ना स्टैचू, रॉ स्टैचू है, कोई नया बनावट नहीं है, जो जैसा का जैसा इवैक्यूएट किया था सेम वैसे का वैसा इन्होंने ला के म्यूज़ियम में रख दिया। और वही रही बात टिकट की, तो मेरे उदयगिरी में कोई टिकट नहीं लगे और रत्नगिरी जाने में 20 रुपीज़ और जो म्यूज़ियम जाने में सिर्फ 5 रुपये, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। बाकी यार इस जगह की यहाँ पे रत्नगिरी लिखा हुआ है, बाकी इस जगह की मुझे एक मस्त बात लगती है, पूरा ना गांव के बीच में है, तो एक लगा लो आप एक गांव के बीच में एक हिल है, वहाँ पे ये थोड़ा ना हिल टाइप बना रखा है, ये पूरा हिल है और इसी के ऊपर ही स्तूपास जो थे मिले थे इनको इवैक्यूएट किए थे, और कुछ स्तूपा अभी जो पुराने हो गए वो सिर्फ हिल के ऊपर ही पड़े हैं और कुछ स्तूपा जो अच्छे कंडीशन में उसको म्यूज़ियम में रख दिया। अब यार मुझे जाना है चंडीखोल, यहाँ से देखता हूँ हिचहाइकिंग करके किलोमीटर पता नहीं यार कितना होगा, एक बार देखता हूँ नेट पे। बाकी यार चंडीखोल है यहाँ से दिखा रहा है 30 किलोमीटर, फिलहाल टाइम हो गया है 5:30। तो भाई सबसे पहले मुझे पहुँचना है चंडीखोल, वो एक लगा लो छोटा सा टाउन जैसा मुझे कुछ लगा, वहाँ से जाके मुझे लंच करना, क्योंकि अभी मैंने आज लंच भी नहीं किया इन चक्करों में ना, खाली ब्रेकफास्ट ही किया, तो सबसे पहले मुझे कुछ खाना पड़ेगा वहाँ जाके, देन देखता हूँ हिचहाइकिंग वहाँ से फिर भुवनेश्वर के लिए हो सकती है, नहीं तो कोई ये जो बस जाती है प्राइवेट उस पर बैठ के मैं निकल लूँगा। तो मिलता हूँ डायरेक्टली आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे। एक और लिफ्ट मिल गई कहाँ तक की, रत्नगिरी से बाली।